हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड कैसे अप्लाई करें। बहुत ही इजी है, आप ऑल इंडिया में कहीं भी ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, मैं सर्च करूंगा, मैं दिल्ली के लिए सर्च करूंगा seo.delhi.nic.in। ये देखिए, ये खुल गया दिल्ली का होम पेज वोटर आईडी कार्ड का, लेकिन आप ऑल इंडिया कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इनरोल ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक नेक्स्ट पेज खुलेगा, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल NVSP। यहाँ आपको कई ऑप्शन मिलेंगे अपना नाम सर्च करने के लिए, वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए, करेक्शन ठीक करने के लिए, अपना एप्लीकेशन का आप स्टेटस जो है उसे ट्रैक कर सकते हैं। ये देखिए, आपका जो बूथ लेवल है आप वो चेक कर सकते हैं, PLO कौन है वो चेक कर सकते हैं। तो हमें जैसे न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये देखिए बहुत ही ईजी है। ये यहाँ पर राज्य पूछ रहा है, मैं दिल्ली डाल देता हूँ, और उसके बाद आपका जो एरिया का संसदीय है जो है वो बुराड़ी, मैंने बुराड़ी डाल दिया। आपका जो हो आप वो सेलेक्ट करें, उसके बाद आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, मैं पहली बार मतदाता के रूप में अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद आप अपना यहाँ नाम डालिए, वहाँ ऑटोमेटिक हिंदी में ले लेगा। ये देखिए, जैसे मैं टाइप करता हूँ राहुल, मैंने राहुल टाइप किया और ये देखिए वहाँ हिंदी में आ गया। देखा, ऑटोमेटिक वो हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। और मैंने दुबे टाइप किया, दुबे आ गया। उसके बाद आवेदक का नातेदार, आपके फादर का नाम यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया दया शंकर दुबे, कुछ भी लिख दीजिए आप, ये मैं लिख दिया शंकर। ये देखिए ऑटोमेटिकली लिया। उसके बाद आप इसमें ये डालिए कि आपके रिलेशन, मतलब आपके कौन रिलेटिव फादर है, फादर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपकी जन्म की तारीख, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप वो डालिए यहाँ पे। यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर आपका जो भी है आप डाल सकते हैं। ये देखिए मैं डाल रहा हूँ, ये मैं डाल दिया। उसके बाद आप मेल फीमेल जो भी है डालिए मेल। उसके बाद हाउस नंबर, आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस डालिए, आपका गांव क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, पिन कोड क्या है, जो भी आपका राज्य है वो आप चुनिए। उसके बाद नीचे सेम एस अबव, सेम पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आपको नीचे फिल नहीं करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप देखिए नीचे देखते हैं, उसके बाद ये जो आया EPIC, ये होता है जब आपका वोटर आईडी कार्ड पहले कभी बना हो, यदि जारी किया गया तो ही आपको भरना, वरना आप ये सब छोड़ दीजिए। नीचे आइए, नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालिए, अपनी ईमेल आईडी डालिए, ये देखिए ईमेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ अपना फ़ोटो जो भी है अपने कंप्यूटर से आप चूज़ करके अपलोड कर दीजिए। आयु प्रमाण में 10th का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, कुछ भी जो भी आपके पास हो, आधार कार्ड भी चल जाएगा, पता प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो चल जाएगा। यहाँ आपका फिर दोबारा आपको फिल करना है शहर का जो भी आपका राज्य है, ये देखिए दिल्ली, और ज़िला जो भी आता है आपका, जैसे मैं नॉर्थ न्यू दिल्ली कर देता हूँ। डेट डाल दीजिए आज की, जिस दिन आप फॉर्म फिल करेंगे उस दिन की आप डेट डाल दीजिए। और बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है वोटर आई डी कार्ड अप्लाई करना। उसके बाद नीचे आइए, मैंने स्थान प्लेस में भी दिल्ली डाल दिया, फिर मैंने तारीख डाल दी आज की। उसके बाद इसे भेज दें, भेजते ही आपको ना एक आपका वो ट्रैक आईडी, एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगा, आपको एक मैसेज भी रिसीव होगा, उससे आप अपना जो आपका एप्लीकेशन आईडी है उससे आप इस, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये रहा, आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि क्या कंडीशन है मेरे फॉर्म की। BLO आएगा आपके घर से, आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके ले जाएगा, उसे आप यहाँ डाल के एप्लीकेशन आईडी चेक कर सकते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ या अप्रूव्ड हो गया, बन गया, जो भी है। आप यहाँ से ऑनलाइन कौन सा फॉर्म भरा है आपने, फॉर्म 6 है, फॉर्म 6A है, 7 है, तो फॉर्म 6 हो गया न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए, तो आप उस पर एप्लीकेशन और एक कैप्चा कोड डाल के आप सर्च कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। तो देखा दोस्तों आपने, ये बहुत ईजी है, तो राष्ट्रीय मतदान में सहयोग करें, बढ़ चढ़ कर आप वोट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।